उसमें इनके पास तमाम यात्री शक्तियां थी, कुदरत को कब्जा करने वाली ताकतें थी। लेकिन गुरु महाराज की चर्चा अगर करेंगे हम तो प्रेम की बात करेंगे हम। प्रेम के जो अर्थ है वो स्वामी परम ज्ञानानंद जी महाराज परमहंस के साथ स्वामी परम प्रेमानंद जी महाराज परमहंस भी करना उनके लिए अचूक नहीं होगा, क्योंकि अपने एक टच से अपने एक डिवाइन टच भी नहीं करेंगे। डिवाइन टच दैविक संस्पर्श कि एक संस्पर्श से जिसको छुआ, कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जो शायद जीवन में एक दो बार मिले हो लेकिन आज भी उनकी स्मृतियों में इतने गहरे चले गए, खुद गहरे गए, उस गहराई से जिसे छू लिया वो कभी भूल नहीं पाया। जैसे एक बार फिर याद पड़ेंगे तो फिर सब कुछ याद हो जाएगा। मैं अक्सर चर्चाएं करते करते भावुक हो जाया करता था, आज पता नहीं क्यों मैं लगता है कहीं दूर से खड़ा हो कि मैं बोल रहा हूँ। I am talking from some distance and I am watching the Guru as he was. चर्चाएं करते करते सचमुच उनका सहज स्नेही प्रेम पूर्ण व्यक्तित्व अभय भय से मुक्त करने वाले, भय से मुक्त करने वाले महापुरुष इनके सानिध्य में पहुंच गए। आपको लगता है कि आप भय से मुक्त हो जाएंगे, उनके पैरों से चिपक करके पीछा करते हुए मृत्यु को भी आप धोखा दे सकेंगे, पीछा करते हुए मृत्यु को भी आप लात मार सकेंगे, उनके चरण को पकड़ेंगे। दैट इज व्हाट इट इज। ऐसे ऐसे सदगुरु की याद करके हम आज धन्य हैं और उनसे यही प्रार्थना करता हूँ, हे प्रभु तुम परमात्मा हो तो अपनी उन अदित्य अदित्य शक्तियों का, अपनी उन दैविक ऊर्जा का, अपनी उन शक्तियों का कुछ कतरा हमें भी तो दे दो। हम पूजा कर नहीं सकते, हम प्रार्थना कर नहीं सकते, हम मंदिर में बैठ के कीर्तन कर नहीं सकते, तो हम क्या करें, हम कैसे पाए अगर वही सत्य जीवन का जो तुमने बताया है तो हम टू रीच टू दैट, कैसे उस यात्रा में आगे बढ़े। भय से मुक्त करके मुझे अभय कर दो, मुझे मेरे स्वभाव को जीने दो भगवान। और मैं मुझे कहीं को ऐसा लगता है कि गुरु को मैंने खोजा लेकिन इसके बाद गुरु ने मुझे पकड़ रखा है और मैं छोड़ना चाहता हूँ, अपना स्वभाव लेना चाहता हूँ लेकिन बार बार मुझे पकड़ के रोका हुआ है, तो मुझे मेरा जीवन दे दो भगवान। बहुत हो गई, बहुत हो गई, बहुत हो गई। I want to live